स्टार्ट करें। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समझाया था, ठीक है, उसमें एक मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको। आज की क्लास में रिप्रोडक्शन की डिटेलिंग सीखने वाले हैं आप। डिटेलिंग का मतलब सबसे पहले डेफिनेशन देखना है इसका, कि अगर आप रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अगर आप उसको डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो उसके एक्सेप्शंस कहाँ से निकल के सामने आएंगे, है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन is a reproduction is a biological process in which living organism in which any living organism produces offsprings which are similar to itself। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हर क्लास में बच्चों को यही बात एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप किसी चीज को नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुक्स में भी लिखा हुआ है। हाँ, सारी चीजें हर जगह पे मेंशन होती है। तो यहाँ पे आपने जो नोट किया है सिमिलर टू इटसेल्फ, क्या नोट किया है आपने, सिमिलर टू इटसेल्फ, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे सेम स्पीशीज बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप यहाँ पे, सेम स्पीशीज, सिमिलर टू इटसेल्फ लिखा है आपने। That means कि आप क्या बोलना चाहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, सेम स्पीशीज के हैं। कैसे हैं वो, सेम स्पीशीज के हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी चीज है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स। कई बच्चे पूछते हैं मैम ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब होता है। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो जो यहाँ पे जो बच्चे हो गए उसके वो ऑफस्प्रिंग हो गए, क्या हो गए, वो ऑफस्प्रिंग हो गए, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रही हूं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये मेल है, यहाँ पे मैंने ये मेल का सिंबल लिखा है, ठीक है, थोड़ा शाइन कर रहा है बट पता चल रहा होगा आपको, और ये क्या है यहाँ पे फीमेल लिखा मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, अगर क्या होना है यहाँ पे, यस, तो सबको पता है कि जायगोट फॉर्म होगा, पहले क्या होगा, जायगोट फॉर्म होगा, और ये जो जायगोट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है यही आगे जाके ऑर्गेनिज्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, राइट, ये आगे जाके क्या करेगा, अपने आप को ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा, ये बनेगा ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये ऑर्गेनिज्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। भाई आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, जो मैं बोलूँ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस तो है नहीं, केमिकल रिएक्शन करा दिया, इसमें तो कोई याद करने वाली चीज है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे हम यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग्स, जो क्या कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे है,
विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, जो इसके जैसे दिखने वाले हैं, जो इसके जैसे क्या है दिखने वाले हैं। अब जैसे सपोज कीजिए यहां पे अगर ये मेल है, ये ह्यूमन है, क्या है ये ह्यूमन है, फीमेल है, ह्यूमन है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग है वो भी क्या है ह्यूमन ही बनेगा ना। जो ऑफस्प्रिंग है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको बनना क्या है ह्यूमन, क्या बनना है उसको ह्यूमन ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है उसको, है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे वो क्या है सेम स्पीशीज का है। अगर हम यहाँ पे मेल को लिखते हैं ए, फीमेल को लिखते हैं बी, और ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ है इन दोनों से उसको हम लिखते हैं सी। तो मैं अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ए बी की स्पीशीज का है, आप बोलेंगे यस। मैं आपसे पूछूं क्या बी सी की स्पीशीज का है, आप बोलेंगे यस बिल्कुल है। क्या ये सी जो है ये ए की स्पीशीज का है, यस ये भी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है उसको समझिए ध्यान से। प्रॉब्लम वहां आती है जब इसके एक्सेप्शंस निकलने स्टार्ट होते हैं। जब रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन लिखी है आपने उसमें जब आपको एक्सेप्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है। हमने लिखा कुछ और था और यहाँ पे कुछ और हो रहा है ना। आपको पता है कि एक ट्रेडिशनल एक्सेप्शन है इसका, क्या एक्सेप्शन है सो देखिए। ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको पता है कि जब हॉर्स की क्रॉसिंग कराई जाती है डोंकी के साथ तो ये म्यूल प्रोड्यूस करता है, क्या करता है ये म्यूल प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं यहां पे भी ए बी सी मार्क कर दूं सबको, ए बी एंड सी मार्क कर दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं यहाँ पे, क्या ये जो हॉर्स है ये डोंकी की स्पीशीज का है, किसी गांव वाले बंदे को बोलिए, बोलेगा ये पता नहीं कौन सी बायोलॉजी पढ़ के आ गया, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं, हम तो यहाँ पे इतने ओल्ड एज के हो गए बट हमने कभी सुना ही नहीं कि ये दोनों सेम स्पीशीज के, उल्टा पागल बोलेंगे आपको, बोलेंगे पता नहीं कौन सी नई बायोलॉजी पढ़ के आया ये, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों सेम स्पीशीज के नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ए बी की स्पीशीज का है, नो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बी सी की स्पीशीज का है, नो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सी जो है ये ए की स्पीशीज का है, नो। हर जगह पे आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, मतलब आंसर क्या आ रहा है, नो। हर जगह आप बोल रहे हैं नो, अभी तो आप ही ने लिखा, अभी जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है उसको तो आप ही ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। अभी अभी जो हमारी किताबें हमको बताना चाहती हैं वो यही है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, यहां तक फुल स्टॉप लगाइए, विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, तो रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, यस और नो, हो रहा है नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, बट रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो सिमिलर टू इटसेल्फ कहाँ है, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो सिमिलर टू इटसेल्फ भी तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिमिलर टू इटसेल्फ होना चाहिए, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए सेम स्पीशीज के होने चाहिए। यहाँ पे ये डेफिनेशन फंस जाता है, इस डेफिनेशन को जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बात जो है वो आके फंस जाती है, ठीक है। कैसे फंस जाती है, यहाँ तो फिट हो ही नहीं रहा, आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि हॉर्स बिलोंग टू द स्पीशीज ऑफ डोंकी, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते म्यूल बिलोंग्स टू द स्पीशीज ऑफ हॉर्स, या फिर ए बी को बिलोंग करता है, बी सी को करता है, सी ए को, नो। ये तीनों ही यहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं, ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जब हम सेम स्पीशीज का क्राइटेरिया देखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जब सेम स्पीशीज का क्राइटेरिया देखना स्टार्ट करते हैं, क्या देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, जब सेम स्पीशीज का क्राइटेरिया देखना स्टार्ट करते हैं, क्या देखना स्टार्ट करते हैं सेम स्पीशीज का क्राइटेरिया देखना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं वहां पे, है ना। जब क्वेश्चन यार बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने 11th भी कर लिया, 12th भी कर लिया, एग्जाम्स में नंबर भी आ गए उसके, लेकिन वहां जाके मैं उससे क्वेश्चन पूछू, चलो ठीक है तुम मास्टर हो गए बायो के, मुझे यही बता दो सेम स्पीशीज का क्या मतलब समझते हो, उस बच्चे को नहीं पता,
है ना। तो बच्चा कहाँ फंस रहा है, कॉन्सेप्ट में फंस रहा है। कॉन्सेप्ट होगा तभी तो कोई एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। आप किसी से भी पूछिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज नॉट सिमिलर, बच्चा क्या बोलेगा? अच्छा, जो एक जैसे दिखते होंगे उनको बोलते होंगे सेम स्पीशीज का। दूसरा स्टेटमेंट, जिसके ना फीचर्स कॉमन होंगे उसको बोलते होंगे। यहाँ पे आपको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी। एक्चुअली क्या है, सेम स्पीशीज का होने के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि उन ऑर्गेनिजम्स को कैसा होना पड़ेगा, इंटरब्रीडिंग करने वाला होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, मतलब कि ए और बी इंटरब्रीड करके किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। क्या कर सके, ए और बी जो है ये आपस में इंटरब्रीड करके किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने वाले होने चाहिए। तो इंटरब्रीडिंग में तो ये गलत हो रहा है, यस और नो भाई? इंटरब्रीड तो कर रहा है, इससे कोई नकार सकता है क्या, मना कर सकता है कोई? इंटरब्रीडिंग तो हो रही है। आप बोलेंगे नहीं, आप ही ने बताया है, बुक में भी लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, फिर बात कहां फंस रही है ना? तो वहां ये रॉन्ग हो जाता है जब हम इसके ऑफस्प्रिंग को देखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम इसके ऑफस्प्रिंग को देखना स्टार्ट करते हैं। ये ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे बना है, जब हमने इसके सर पे स्टैंप लगा दिया, हमने बोला यहाँ पे फर्स्ट केस में, नॉर्मल केस में, रेगुलर केस में अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला, चलो भाई ठीक है, तुम जो हो ना अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, तो हमने तुमको टैग लगा दिया कि तुम भी ह्यूमन बीइंग हो। बट वाई, हमने उसको बोला कि तुम भी ह्यूमन बीइंग हो, बट वाई? इसलिए हो क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फर्टाइल है। यस, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, फर्टाइल है। द ऑफस्प्रिंग शुड बी और मस्ट बी फर्टाइल। अगर आप सेम स्पीशीज का टैग देना चाहते हैं किसी के ऊपर, तो वहां पे उस ऑर्गेनिज्म को क्या होना पड़ेगा, फर्टाइल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, फर्टाइल होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस म्यूल के केस को आप एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए, किसको, इस म्यूल के केस को जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, स्टेराइल है। क्या है ये, स्टेराइल है। यहां पे बात फंस गई जाके, आपको डिफरेंस समझ आया? इसको, इस केस को एक्सेप्शन क्यों बोला हम लोगों ने, बात समझ आई आपको, है ना? इसको इसलिए हम एक्सेप्शन मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग म्यूल बना के इसने प्रोड्यूस किया है, दैट म्यूल इज स्टेराइल। क्या है वो, स्टेराइल है। तो सेम स्पीशीज होने के लिए नेक्स्ट क्राइटेरिया लिख लीजिए आप, ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। कैसा होना पड़ेगा, उसको फर्टाइल होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, फर्टाइल होना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगी, तब जाके आप कंफर्मेशन दे सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। आप बोल सकते हैं कि हाँ, अब हम इस बात का मतलब समझ रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम स्पीशीज। कि अगर हम किसी के ऊपर ये टैग लगा रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों को इससे समझ आता है ना? हो गया यहां तक, समझ आया या नहीं आया? नोट तो खैर किसी बच्चे को पीडीएफ भेज दीजिए, आप जो कॉपी में नोट कर रहे हैं उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए, बट क्या समझ आएगा उसको? जब तक बच्चा ना समझे उसको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन स्पीशीज। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लिखा गया सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज, जो कि 99% बच्चे टिक करके आते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा गया, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज, सही क्या नहीं? ऑप्शन बी में लिखा गया इंटरब्रीडिंग, वो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सही है,
लेकिन आपको वहां पे मोस्ट करेक्ट सिलेक्ट करना है। क्या करना है आपको वहां पे, ये देखना है कि सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है। कई बार आपने देखा होगा नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है उसके आंसर की को रिलीज करते हैं, है ना। और जब आंसर की को रिलीज किया जाता है तो उनके आंसर्स में डेविएशन होता है, नोट करा है आपने, कहीं पे ए होता है तो किसी ने ऑप्शन जो है वो बी लिखा होता है ना। तो वहां पे लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी समझ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन जो पूछने वाला पूछना कुछ और चाहता है, सामने वाला कुछ और समझ रहा है उसको, ये भी दिक्कत आती है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे ऑप्शन सही होते हैं, बट आपको उसको मार्क करना है जहां पे ये भी बात बताई जा रही है कि ये सेम स्पीशीज के तब होंगे जब ऑफस्प्रिंग क्या है, इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, और उनका जो ऑफस्प्रिंग है इस चीज की 2000% गारंटी है कि वो ऑफस्प्रिंग कैसा है, फर्टाइल है, तब जाके हम बोलेंगे कि ये कैसे हैं, सेम स्पीशीज के हैं। कैसे हैं ये, सेम स्पीशीज के हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों के पास यहाँ पे फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये है, इसको जब आप एनालाइज करना और समझना स्टार्ट करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बोलते हैं कि इट इज रेफर्ड एज द डिफाइनिंग और कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि ये जो फेनोमेना है ये नॉन लिविंग के पास इसका कॉपीराइट नहीं होगा, राइट, है ना। जैसे पहले तो लिख लीजिए इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, सेलुलर के साथ ना आपने यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड लगाया है इंग्लिश का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। क्या लगाया है आपने यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे संगठन है, लेकिन अगर हम सेल को मिला के टिश्यू बनाना चाहते हैं तो उन सारे सेल्स को इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा काम करते हैं, और एक साथ मिलजुल के एक एम और एक लक्ष्य के लिए काम करेंगे, मतलब हुआ ना, है ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में छोटी क्लासेस से अभी तक जो आपने सीखा है इसको और अच्छा क्रिस्टल क्लियर हम लोग एग्जाम्पल के तौर से करेंगे, ठीक है। इसमें आपने क्या सीखा है, सारे बच्चों को पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यस और नो? सारे बच्चों को पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले, एक जैसे दिखने वाले सारे सेल्स को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो टिश्यूज फॉर्म होते हैं। सेल्स को ऑर्गेनाइज कीजिएगा तो क्या होगा, टिश्यूज फॉर्म होंगे। टिश्यूज को ऑर्गेनाइज कीजिएगा तो क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन फॉर्म होगा। ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज कीजिएगा तो ये एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बना के आपको देता है, और ऑर्गन सिस्टम को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तब जाके आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल जो है, एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल जो है ये क्या कर रहा है, यही यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करा रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम लेती हूँ। क्या लेती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने सेल्स होंगे किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया सेल्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एनी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर ये एक जैसा काम करने वाले हुए, अगर ये क्या हुए एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले हुए, तो ये क्या करेंगे टिश्यू फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे ये टिश्यूज को फॉर्म करेंगे। अब मान लीजिए ये टिश्यूज आप कहाँ देख रहे हैं, सपोज कीजिए ये जो टिश्यूज हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है एक ऑर्गन है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं इट्स द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप क्या बताते हैं वहां पे, कहते हैं माउथ टू एनस, क्या बोलते हैं आप वहां पे माउथ टू एनस, जितने भी ऑर्गन्स बीच में इंक्लूडेड होते हैं उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, माउथ टू एनस। और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम है किसी ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ह्यूमन का है, किसका है ह्यूमन का है, ह्यूमन क्या हो गया एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ह्यूमन क्या हो गया एक ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे जो आपका टॉपिक है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओनली कॉपीराइटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका कॉपीराइट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, ऐसा नहीं है कि अभी मेरे हाथ में मार्कर है, अब यहाँ पे जो 10 मार्कर पड़े हैं सबको मैंने इकट्ठा करके रख दिया, नेक्स्ट डे आप आएंगे कुछ और बन जाएगा इसका, ऐसा तो होगा ना, ये ऑर्गेनाइज करके खुद ही बना दे अपने आप को कुछ, है ना। तो ये सिर्फ कौन से केस में हो रहा है, ये सिर्फ अवेलेबल है आपको लिविंग के केस में, नॉन लिविंग के पास इस फीचर का कोई भी कॉपीराइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखिए अगर आप ग्रोथ के फीचर को समझना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ग्रोथ के फीचर को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इस ग्रोथ के बहुत सारे क्राइटेरिया अवेलेबल है, इस ग्रोथ के क्या है बहुत सारे क्राइटेरिया अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूं क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, अगर मैं क्या बताना चाहूं क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, ठीक है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं ग्रोथ को बताना चाहते हैं कि ग्रोथ एक्चुअली है क्या, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी 3 ईयर के एज में जो हाइट थी आज भी वही है क्या, अगर मैं बोलूं आपको वापस उसी हाइट में जाना जा सकते हैं क्या, दैट्स इम्पॉसिबल, है ना। तो ये क्या है, अगर कहीं पे किसी का हाइट इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है हाइट इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्या है ग्रोथ है, आपका वेट भी इंक्रीज हुआ हो तब से अभी तक में वो भी क्या है ग्रोथ है, वो भी क्या है ग्रोथ है। अब सपोज कीजिए आपने किसी लीफ को देखा, एक पत्ते को देखा, बातें नहीं बीच में, एक आपने लीफ को देखा, किसको देखा लीफ को देखा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसने अपने साइज को इंक्रीज करके इतना कर लिया, क्या हुआ क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया इसका, क्या हो गया इस लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। एग्जाम में ऐसे लिख के आइए ना टीचर नंबर भी शॉर्टकट में देंगे, समझ आए कह रहा है एस ए, ऐसा थोड़ी हम कोई यूनिट लिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख दू एस ए कह रहा है टीचर एस ए, तो नंबर भी शॉर्टकट में ही मिलेगा, टीचर को समझ भी तो आना चाहिए। वो एक मोड़ पे एक लेडी खड़ी थी, ऑटो वाले को 5 मिनट से बोल रही थी मुझे आईटी जाना है, मुझे आईटी, उस ऑटो वाले को समझ ही नहीं आया इस लेडी को जाना कहाँ है, एंड में जब वो 10 मिनट वहां पे खड़ी रही तो कहना आप बताइएगा आईटी कहाँ जाना है आपको, कह रही इनकम टैक्स कोलंबर जाना है ऑटो वाला क्या कह रहा है,
कह रहा आप भी ना ऐसी बात बोल रही है, समझ ही नहीं आ रहा जाना का है, आपको बताना चाहिए था ना इनकम टैक्स प्लम्बर जाना, बैठिए यहाँ पे, है ना। तो ये होता है ज्यादा शॉर्टकट भी अच्छा नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, फोर्थ यहाँ पे पॉइंट देखिए, अगर कहीं पे बायोमास इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बायोमास अगर इंक्रीज हो रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्या व्हाट इज बायोमास, क्या सोच रहे होंगे आप, व्हाट इज बायोमास, ठीक है। तो लिविंग टिश्यूज जो होते हैं उनका जो मास होता है उसको हम लोग बायोमास बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बायोमास बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये सारे क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ है, मतलब अगर ये इंक्रीज कर रहा है कोई सा भी, सरफेस एरिया बढ़ेगा तब भी ग्रोथ बोलेंगे, बायोमास बढ़ेगा तब भी ग्रोथ बोलेंगे, वेट इंक्रीज होगा तब भी बोलेंगे, हाइट इंक्रीज होगा तब भी बोलेंगे, लेंथ इंक्रीज होगा तब भी बोलेंगे, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, है ना। बहुत सारे क्राइटेरिया है किसके, ग्रोथ के। लेकिन एक बात समझिए, अब इस क्लास को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, जिसमें हाफ ने ऐसा बोला ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आ रहे बच्चे इस साइड पे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या, है ना। यहाँ पे क्या है, आपके पास एग्जाम्पल अवेलेबल है, सपोज कीजिए कि कोई एक रॉक है, ठीक है, काफी टाइम पहले वो क्या था, 5 फीट का था, कितना था वो, 5 फीट का था, और कई सालों बाद जो आपने देखा तो उसने सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू अपने हाइट को इंक्रीज करके 10 फीट का कर लिया, कितना कर लिया, 10 फीट का कर लिया। तो ये तो बोलेगा ना भाई मेरे में ग्रोथ हुआ है, आप ही बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं हाइट बढ़ जाए ग्रोथ, वेट बढ़ जाए तो ग्रोथ, सरफेस एरिया बढ़ जाए तो ग्रोथ, है ना। तो जिसकी वजह से ये ग्रोथ जो है ये फंस गया बीच में। अब ये नहीं कि एग्जाम में लिख के आ जाइए, ग्रोथ इज नॉट द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ही नहीं, ऐसा नहीं, मैं बस ये बात आपको बता रही हूँ कि ये ग्रोथ के जितने आपने क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किए हैं, ऐसे क्राइटेरिया को नॉन लिविंग भी शो करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से अभी तक मैंने डिफाइनिंग फीचर का टैग सिर्फ किसको दिया है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, है ना। तो आज की क्लास में आपने कौन कौन से फीचर सीखे, पहला कौन सा सीखा आपने, रिप्रोडक्शन, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन ग्रोथ, अभी अभी पढ़ा आपने, कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टार्ट करेंगे, है ना। यस, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।